गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग एल्केन वाला सेक्शन कर चुके थे और अब हम लोगों को नेक्स्ट जो सेक्शन करना है दैट इज़ एल्कीन। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्कीन वाला सेक्शन आज से। एंड एल्कीन वाले सेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। एल्केन में तो रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, लेकिन एल्कीन्स की थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टी भी अच्छे से हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी। सो लेट्स बिगिन द रिविज़न ऑफ एल्कीन दैट वी विल डू फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स, नॉट फ्रॉम द एनसीईआरटी एज सच। बीच में हम थोड़ा एनसीईआरटी का भी हेल्प लेंगे, बट अभी हम दूसरे सोर्स से अपना इसको करेंगे। सो लेट्स सी, द फर्स्ट पॉइंट इज़ दीज आर ए साइक्लिक। ए साइक्लिक मतलब जो साइक्लिक ना हो। हाइड्रोकार्बन्स इन विच अनसेचुरेशन सी डबल बॉन्ड सी इज़ प्रेजेंट, यानी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, उनको एल्कीन कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज ओलेफिन्स। तो जो सी डबल बॉन्ड सी होता है इसको ओलेफिनिक बॉन्ड बोलते हैं। ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। सी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एन कहीं प्रेजेंट हो तो दिस इज़ नॉट एन ओलेफिनिक बॉन्ड। ओलेफिनिक बॉन्ड होता है सी डबल बॉन्ड सी। जनरल फार्मूला इज सी एन एच टू एन। हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू होता है। अगर आपको याद हो तो एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री था। ज्योमेट्री ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन इज़ ट्राइगोनल प्लेनर। तो अगर एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 120 डिग्री एंगल होगा और ज्योमेट्री जो होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। सी डबल बॉन्ड सी इज़ 1.34 एंगस्ट्रॉम। ये बॉन्ड लेंथ दी है, सी एच बॉन्ड लेंथ दे रखी है, बॉन्ड एनर्जी दे रखी है। तो ये जो डेटा दे रखा है यहाँ पर, इस चारों में से आपको बहुत अधिक मैक्सिमम तो बॉन्ड लेंथ याद रखनी है 1.34। इसके अलावा और कोई चीज़ आपको याद रखनी नहीं है, एक नज़र आप सिर्फ देख लीजिएगा। एल्कीन्स में सभी तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। तो इसमें से जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है दैट इज़ सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। दैट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस केस बिकॉज ये इसका स्पेसिफिक आइसोमेरिज्म है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छे से पढ़ाया जाता है, वो आइसोमेरिज्म वाले सेक्शन में कंप्लीट किया गया है। देखें सभी के एग्जांपल दिए हैं, चेन आइसोमर, पोजीशन, फंक्शनल, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ये आइसोमेरिज्म का पार्ट है। एक स्पेशल पॉइंट भी लिखा है कि क्यूमुलेटेड पॉलीईन हो। इस वर्ड को पहले समझ लें, कई सारे डबल बॉन्ड्स लगातार आ रहे हैं। जैसे इसमें देखें आप, दो लगातार टू कॉन्जिक्यूटिव पाई बॉन्ड्स आर देयर। क्यों इसमें देखें चार लगातार आ रहे हैं, इसमें दो आ रहे हैं और इसमें चार आ रहे हैं। तो अगर क्यूमुलेटेड पॉलीइन है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसके रूल्स क्या होते हैं कि अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, और अगर इवन नंबर ऑफ बॉन्ड हैं तो वो शो कर सकता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमेरिज्म का सेक्शन है। हैविंग इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सिस्टम एट बोथ एंड कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एंड ऑड नंबर जिसके अंदर होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा, यानी सिस ट्रांस शो करेगा। तो मैं अगर आपको ऐसे सीधा सा एक सिंपल क्वेश्चन बना के दूँ कि आप सीधे सीधे इसको देख के बताएं कि ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि ऑप्टिकल, तो आप पाई बॉन्ड गिन लें, एक, दो, तीन और चार, ये इवन नंबर के पाई बॉन्ड हैं। इवन है तो इसका मतलब ऑप्टिकल शो करेगा। आप यहाँ देखें, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मीन्स इट शोज़ इट कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल बट कैन नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल, ये ऑप्टिकल शो करेगा। इवन ऑप्टिकल और ऑड जो है वो ज्योमेट्रिकल शो करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, एल्कीन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, इनसॉल्युबल इन वाटर। एल्केन्स भी इनसॉल्युबल थे वाटर में, एंड दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। पोलर जो ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं जैसे बेंजीन, इन सब में ये सॉल्युबल होता है। ऐसा सेम एल्केन के भी साथ था। ऑलिफिन्स हैं ऑयल फॉर्मिंग, तो आप जानते हैं ऑयल जो पानी में तो वो घुलेगा नहीं। दूसरा, फिजिकल स्टेट में दो से लेकर चार कार्बन जो हैं वो गैसियस हैं, पाँच से लेकर पंद्रह लिक्विड हैं और सोलह से ज़्यादा जो हैं वो सॉलिड हैं, वैक्सी सॉलिड होते हैं। अच्छा, दो कार्बन से नीचे का होगा नहीं क्योंकि एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम आपको दो कार्बन चाहिए, तो यहाँ पर सिंगल कार्बन वाला नहीं होता है। ये रूल हम लोग पढ़ चुके हैं दैट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। यानी जितनी ब्रांच ज़्यादा होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। जितनी ब्रांच बढ़ती जाएगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं एल्केन वाले सेक्शन में। नीचे लिखा भी आप देखें, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ब्रांचेज इन एल्कीन। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर आर लोअर दैन द ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट जो है ट्रांस आइसोमर से कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट सिस आइसोमर का ट्रांस आइसोमर से ज़्यादा होता है। यानी आपको याद रखना है कि सिस से ज़्यादा
ट्रांस और ट्रांस का ज़्यादा सिस। तो ट्रांस का ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट और सिस का ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा है। दीज आर लाइटर देन वाटर, ये सभी जो होते हैं वो पानी से हल्के होते हैं, यानी पानी में ऊपर तैरते रहेंगे। अब ये देखो बच्चों, जो केमिकल प्रॉपर्टी लिखी है इसको मैंने एक जगह पर सबको लिख दिया है, और मैं आपको इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ ताकि आप समझ जाएँ कि ये किस तरीके का है, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। आप इसको देखें, ये जो है ये सारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखा गया है, RCH2 के जितने भी रिएक्शन हैं उसको एक टेबल बना के कम्प्लीटली लिखा गया है, और इसका PDF भी आपको इस लेक्चर के साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जब आपको PDF मिल जाएगा तो आप इसको दोबारा रिवाइज़ कर सकते हैं। अब हम एक एक करके इसके रिएक्शन देख लेते हैं ध्यान से। सबसे पहले आप एल्कीन को देख लें, इसी एल्कीन के ऊपर सारे रिएक्शन कराए गए हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2। सो लेट्स सी, द फर्स्ट रिएक्शन इज़ विथ HX। तो HX क्या क्या हो सकता है, HX में भी हो सकता है HCl हो सकता है, ये HBr हो, या ये हो सकता है HI हो। तो अगर कोई भी ऐसा होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। अब ये आप देखें, जो हम लोगों ने एल्कीन लिया है वो एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2। इस एल्कीन में देखें डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन हैं, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है। एक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। तो कम किसके पास हुआ, इसके पास कम हाइड्रोजन है। इस पे अगर हमने नेगेटिव पार्ट को जोड़ा, एडेंडम के नेगेटिव पार्ट को, एडेंडम मतलब क्या होता है, जैसे अगर मुझे इस पे HCl का एडिशन करना हो बच्चों, तो HCl में नेगेटिव पार्ट कौन सा है, Cl। अगर मैं Cl को उठा के यहाँ पर जोड़ता हूँ कम हाइड्रोजन वाले पे, देन दिस इज़ कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल, इसको बोलते हैं एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। और अगर इस Cl को मैं उठा के जोड़ दूँ यहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन वाले के पास, तो इसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ आप देखें X को कहाँ जोड़ा गया है, कम हाइड्रोजन बीच में जोड़ा गया है, कम हाइड्रोजन वाले के पास जोड़ा गया है, तो इसका मतलब ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, MKK रूल को फॉलो करेगा। इसके नीचे जब HBr और परऑक्साइड लगाया गया, तो आप ध्यान से देखें ये ब्रोमीन लास्ट में जुड़ा है, यानी यहाँ पर मार्कोनिकॉफ नहीं चला है बल्कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल चला है, AMKK, एंटी मार्कोनिकॉफ शॉर्ट में ऐसे लिखने के लिए। X2 का एडिशन करना है तो X2 कौन हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, तो दोनों तरफ आपको Cl और Cl जोड़ देना है। HOCl को अगर आप जोड़ेंगे तो इसमें आप देखें HOCl जब टूटता है तो किस रूप में टूटता है, HO- और Cl+। तो इसमें नेगेटिव पार्ट कौन सा है, OH, तो ये बीच में जुड़ेगा, और जो Cl है वो पॉजिटिव पार्ट है तो वो साइड में जुड़ेगा। आप यहाँ देख लें ये नेगेटिव पार्ट बीच में जुड़ रहा है। अब मैं बीच में किसे बोल रहा हूँ, आप देखें हमारा एल्कीन ये है, इसमें R है और इधर साइड में CH2 है और बीच में CH है। तो आपको याद रखना है कि अगर बीच में नेगेटिव पार्ट जुड़ा है तो मार्कोनिकॉफ रूल चल रहा है। डाइल्यूट H2SO4 और H2O/H+ ऐसा लिखा रहेगा। अगर आप वाटर का एडिशन करना चाहते हैं तो आपको ये रिएजेंट लेना पड़ेगा और साथ में थोड़ा सा एसिड मिलाना पड़ेगा, तो उससे OH ऐड हो जाएगा और ये मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जुड़ेगा। मार्कोनिकॉफ मतलब OH नेगेटिव पार्ट है, वो बीच में जाके जुड़ेगा। अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया है डायरेक्टली तो इससे हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। ये एक रिएक्शन है जिसको आपको याद करना है, मैंने R लिख दिया है, मतलब आपको रटना है इस रिएक्शन को। इसके बाद आप देखें ये ACO2HgH2ONaBH4, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको बोलते हैं मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस आपको वाटर का ही एडिशन करना है मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, यानी रूल मार्कोनिकॉफ ही चलेगा और आपको एडिशन जो करना है वो वाटर का एडिशन करना है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पे आते हैं ये BH3, BH2 और THF, ये जो लिखा हुआ है बच्चों, इस रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोबोरेशन। और हाइड्रोबोरेशन में जो एडिशन होता है उसमें आप देखें जो OH जुड़ा है वो लास्ट में जुड़ा है, यानी यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ चलेगा, दिस विल गो एज पर एंटी मार्कोनिकॉफ। और ये जो मर्क्यूरेशन है ये चलेगा मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। अब आप देखें मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ को एक बार हम लोग फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारी समझ अच्छे से बन जाए। देखो बच्चों, मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब होता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जोड़ना है जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, और एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब होता है कि हाइड्रोजन वहाँ पर जोड़ना है, नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जोड़ना है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है।
बस यही रूल आपको याद रखना है, और आपको थोड़ा याद रखना है कहाँ मार्कोनिक ऑफ लगाएंगे और कहाँ पर एंटी मार्कोनिक ऑफ लगाएंगे, दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। बस इसी को अगर आप याद रखेंगे तो एल्कीन के रिएक्शन में आपको कभी कोई गलती होने वाली नहीं है। तो आप यहाँ देखिए बच्चों, अगर हमने लिया है R और उसके साथ CH और डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एल्कीन है, और इसमें मैं एडिशन करने जा रहा हूँ HCH, HOH का करने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो पहचानो नेगेटिव पार्ट कौन है, OH माइनस और H प्लस। तो नेगेटिव पार्ट को वहाँ जोड़ोगे जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो इसको बोलेंगे मार्कोनिक ऑफ, यानी जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके का बनेगा RCH, और यहाँ पर OH लगेगा बीच में और यहाँ पर लगेगा हाइड्रोजन, यानी ये बन जाएगा CH3। तो ये जो बनेगा इसमें OH देखो बीच में आ रहा है, तो अगर OH या नेगेटिव पार्ट वाले बीच में आ रहे हों तो आप समझ जाएँ मार्कोनिक ऑफ का एडिशन हो रहा है। तो इसमें अभी तक जितने हमने पढ़े, HCl में मार्कोनिक ऑफ, HBr में एंटी मार्कोनिक ऑफ A लिख देता हूँ, X2 में कोई ज़रूरत नहीं है, OH में मार्कोनिक ऑफ, डाइल्यूट H2SO4 में मार्कोनिक ऑफ, कंसनट्रेटेड H2SO4 में भी मार्कोनिक ऑफ, और ये जो मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन आया है इसके अंदर भी मार्कोनिक ऑफ, और ये जो हाइड्रोबोरेशन है ये पहली बार एंटी मार्कोनिक ऑफ आया है। तो देखें इतने पूरे रिएक्शन में एंटी मार्कोनिक ऑफ दो जगह आया है, एक तो HBr परऑक्साइड और दूसरा एंटी मार्कोनिक ऑफ कहाँ पर आया है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन में OH ऐड किया जाता है एंटी मार्कोनिक ऑफ के हिसाब से। यानी बच्चों देखो, अगर यही सवाल होता, मुझे ये वाटर ही ऐड करना होता लेकिन एंटी मार्कोनिक ऑफ, तो मैं इस वाले कार्बन पे जोड़ता, इस वाले कार्बन के साथ मैं जोड़ता वाटर को, तो इसको एंटी मार्कोनिक ऑफ बोल देते। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट, H2Ni, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ देंगे और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्केन बनेगा। हम लोगों ने एल्केन के प्रिपरेशन में इसको देखा है, OSO4 और ये KMnO4, इन दोनों रिएजेंट को आपको याद कर लेना है कि अगर बेयर्स रिएजेंट हुआ एल्कलाइन KMnO4 1% अगर आपने लिया है, तो उस केस में बेयर्स रिएजेंट के केस में क्या होगा बच्चों, कि बेयर्स रिएजेंट अगर आपने लिया है तो बेयर्स रिएजेंट में दोनों तरफ OH जोड़ देना है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइलेशन। और OSO4 लिया है तो भी हाइड्रोक्साइलेशन ही होगा, यानी जो डबल बॉन्ड है उस जगह पे दोनों जगह पे आपको OH जोड़ देना है, एंड दिस रिएक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड हाइड्रोक्साइलेशन। ये नाम भी याद रखें, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ हाइड्रोक्सीलेशन, तो ये इसको हाइड्रोक्सीलेशन भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन, दिस इज़ प्रेलिशेव रिएक्शन। इसमें ये जो रिएजेंट है MCPBA, मेटाक्लोरो परोक्सी बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो परोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका नाम अगर ना भी याद रहे तो आपको इसमें याद रखना है कि इसमें जो दोनों तरफ OH तो लगेगा ही लगेगा, और साथ में बीच में इंटरमीडिएट में ये इपॉक्सी टाइप का यानी साइक्लिक ईथर बनता है, और इसकी कोई मैकेनिज्म सीखने की ज़रूरत नहीं है, दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। इसको आपको याद रखना है कि यहाँ पर साइक्लिक ईथर बन जाएगा, दिस यू नीड टू कीप इन योर माइंड। अब इसके बाद आते हैं बच्चों, ओजोनोलिसिस एक रिएक्शन है आपके पास और एक ऑक्सीडेशन है। ओजोनोलिसिस और ऑक्सीडेशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओजोनोलिसिस में क्या होगा, अगर मान लें कि इस तरीके का आपको कोई एल्कीन दे दिया गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और कहा गया इसकी ओजोनोलिसिस करके दिखाओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस बॉन्ड को जहाँ डबल बॉन्ड है तोड़ दें और दोनों तरफ OO दे दें, तो ये हो जाएगा CH2O और दूसरा भी जो बन जाएगा वो बन जाएगा CH2O, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ये जो लिखा है ये आप अगर बाद में देखें सही से, तो दिस इज़ HCHO और HCHO जो होता है वो फॉर्मल्डिहाइड होता है। अगर मान लें कि ये इस तरीके से लिखा होता CH2 यहाँ CH होना चाहिए, डबल बॉन्ड CH2, इसको तोड़ना हो तो अगर हम चाहें तो दो तरफ से तोड़ सकते हैं, एक बन जाएगा CH3CHO और दूसरा बन जाएगा CH2O। यानी ओजोनोलिसिस में कुछ नहीं करना है, केवल दोनों तरफ आपको O और O जोड़ देना है। अगर मान लें इस तरीके का एक साइक्लिक कंपाउंड आ जाए और इस साइक्लिक कंपाउंड में यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, तो इसको तोड़ के आपको इधर भी एक O देना है, इधर भी एक O देना है, तो आपका जो आंसर होगा वो इस तरीके से हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड O,
और ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ जहाँ से तोड़ना है वहाँ पर दोनों तरफ दो डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ दे देने हैं, यही आपका ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ओजोनोलिसिस में बच्चों बस आपको ऐसे ही रिएक्शन करना आना चाहिए और रिएक्शन सामने आएगा। ओजोनोलिसिस को यूज़ किया जाता है एज एन आइडेंटिफिकेशन के डबल बॉन्ड कहाँ पर है, जहाँ जहाँ ओ लग गया वहीं वहीं डबल बॉन्ड है। बाकी हम लोग क्वेश्चन के टाइम पर और अच्छे से इसको सीखेंगे कि इससे क्या क्या क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। सो दिस वॉज योर रिएक्शन ओजोनोलिसिस। एंड देन आफ्टर द नेक्स्ट रिएक्शन इज़ अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट आ जाए। देखो KMnO4 एक और जगह आया था, और KMnO4 कहाँ पर आया था? KMnO4 आया था एल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट हाइड्रोक्साइलेशन में। ऊपर ही देखें 1% एल्कलाइन KMnO4 हाइड्रोक्साइलेशन। तो यहाँ पर जब KMnO4 आया था बच्चों तो हम लोगों ने OH जोड़ दिया था दोनों तरफ। लेकिन अगर यही KMnO4 एसिडिक मीडियम में आ गया तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट हो जाएगा और उस केस में आपको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं तो वो रूल्स मैं आपको बता देता हूँ, दे आर वेरी सिंपल। उन रूल्स से आप ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट बता सकते हैं। देखो अगर कहीं ये इस तरीके का एल्कीन लिखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पे KMnO4 का रिएक्शन कराया गया है, तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट हो गया। तो इसमें क्या करना है, फिर आपको तोड़ना है, दो टुकड़े में तोड़ दिया। एक टुकड़ा आपको अकेला CH2 दिख रहा है, जहाँ भी अकेला CH2 दिखे तो आप पहला प्रोडक्ट लिख दें CO2। जो बाकी बचा हुआ है उसके साथ आप COOH कार्बन गिन ले, दो कार्बन है इसमें, तो इथेनोइक एसिड बन जाएगा, यानी कि CH3COOH बन जाएगा। अब आप देखें कितना आसान है। जैसे अगर मान लें कि कहीं पर इस तरीके से लिखा हो CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें वही रिएजेंट दिया गया अल्कलाइन KMnO4, 20 से इसको तोड़ दें, किसी तरफ CH2 नहीं आया है तो CO2 नहीं बनेगा, इधर भी इथेनोइक एसिड बनेगा, इधर भी इथेनोइक एसिड बनेगा, क्योंकि दोनों तरफ दो दो कार्बन है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2CH3COOH, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लें कि एक इस तरीके का आ गया CC CC डबल बॉन्ड CH2, तो इसको कैसे ब्रेक किया जाता है, इसको 20 से ब्रेक कर दें, एक CH2 मिल गया, तो इसका मतलब आपका एक प्रोडक्ट तो फिक्स हो गया, दैट इज़ CO2। दूसरा ये जो इस तरीके का है डबल वाला, तो इस वाले केस में आपको यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ देना रहता है सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कीटोन बन जाएगा। तो ये तीन तरह के हो सकते हैं, एक ये डबल वाला आ सकता है बच्चों तो कीटोन बना देना, कोई भी दूसरा आएगा तो एसिड बना देना, CH2 होगा तो CO2 बना देना। बस यही ऑक्सीडेशन करने के तीन मेथड्स हैं, CH2 को CO2 बना दें, अगर कोई और आता है तो उसको एसिड बना दें, और ये जो डबल 2 डिग्री वाले आ जाएं तो उनको कीटोन बना दें, इससे आपका ऑक्सीडेशन वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स सी सम मोर रिएक्शन। कम्बशन मैं नहीं बताना चाहता, कम्बशन से प्रोडक्ट बनता है CO2H2O, आप जानते हैं बहुत अच्छे से Cl2। अगर आपने Cl2 ऐड किया है तो अभी एक Cl2 ऐड करने का हम लोगों ने रिएक्शन और देखा था, ऊपर की तरफ देखें X2 ऐड किया गया था, तो दोनों तरफ X और X जुड़ गए थे, लेकिन इसके लिए क्या लिखा था, CCl4 गिव्स टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, Br2 प्लस CCl4, तो ये एक दूसरा एडिशन है। लेकिन अगर आपने Cl2 ही लिया है और टेम्परेचर आपने बहुत ज़्यादा कर रखा है, मतलब टेम्परेचर आप देखें उस रिएक्शन में कितना दे रखा है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर टेम्परेचर लिया है तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चों। व्हाट इज़ एलाइलिक, देखो एलाइल ग्रुप किसे कहते हैं, अगर कहीं पर इस तरीके से है CH2 डबल बॉन्ड CH, तो आप देखें ये दोनों ही कार्बन जो हैं वो sp2 कार्बन हो जाएंगे और इससे जुड़ा एक sp3 कार्बन हो CH3, तो ये जो sp3 वाला कार्बन होता है इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन जोड़ दूँ तो इसको बोलेंगे एलाइल क्लोराइड, क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये उस जगह पर लगा है जहाँ पर एलाइलिक कार्बन है, यहाँ ये 2 हो जाएगा। तो एलाइलिक का मतलब होता है कि दो sp2 वाले कार्बन के पड़ोस में जो sp3 होता है उसको एलाइलिक बोलते हैं। तो आप देखें यहाँ पर ये दो sp2 हैं और ये पड़ोस में एक sp3 है और उससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ये तब होगा जब Cl2 के साथ 500 डिग्री का टेम्परेचर दिया जाए, लेकिन उससे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो NBS, NBS इज़ एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, अगर ये रिएजेंट लिखा है NBS के ही रूप में आता है, तो आप एलाइलिक ग्रुप ढूंढ लें और उस एलाइलिक ग्रुप पे ले जाके ब्रोमीन लगा दें। आप यहाँ देखें ये डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन, उसके पड़ोस में sp3 और उसी पे ब्रोमीन लगा दिया जाता है, इसी को बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एक रिएक्शन यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहूँगा, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप पहचान पाते हैं कि एलाइलिक ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं। हालाँकि इसको हम लोग क्वेश्चंस में भी करेंगे,
तो वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेट अस कंसीडर वी हैव अ स्ट्रक्चर विच इज़ लाइक दिस। अगर मान लें कि आप ये एक एल्कीन दिया है और एल्कीन में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, तो आप देखें इसमें एलाइलिक कौन सा कार्बन होगा। तो देखो ये कार्बन और ये कार्बन तो डबल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। उसके बगल में जो ये कार्बन है, दिस कार्बन इज़ sp3। ये जो कार्बन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कार्बन sp3 है। यही बात आपको याद रखनी है। मैं थोड़ा सा इसको सही से लिखता हूँ, लिखने की बच्चों प्रैक्टिस थोड़ी मेरी कम है। तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है और ये जो ये कार्बन है, ये दो कार्बन जो होंगे वो sp3 कार्बन होंगे। दीज आर sp3 कार्बन्स एंड दिस इज़ अगेन sp3 कार्बन। और sp2 के बगल में जो sp3 आता है, इसी को बोलते हैं एलाइलिक। और अगर आपने एलाइलिक पहचान लिया तो आधी समस्या हल हो गई। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसी पे लिख दूँ NBS मतलब एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, तो जो आंसर होगा उसमें बस यही डिसाइड करना है कि ब्रोमो कहाँ जोड़ना है। तो मैं दोनों पोजीशन सेम है तो मैं इस जगह पर ब्रोमो जोड़ दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये NBS जो है वो एलाइलिक पोजीशन पर एडिशन करता है। ये आपको याद रखना है, एलाइलिक पोजीशन मैंने आपको बता दी। नाउ जैसे वहाँ पर AlCl3 और HCl हुआ करता था, वैसे ही ये जो है Al2SO4 होल थ्राइस आइसोमेराइजेशन करेगा, यानी ब्रांचिंग करेगा। बहुत रेयरली पूछा जाता है। तो इसी के साथ आपके सारे रिएक्शन हो गए एल्कीन के बच्चों। तो आपको क्या याद रखना है, देखो मार्कोनिकॉफ कब करना है, ये तो फिक्स है कि एल्कीन में हमेशा एडिशन ही करना है। कब मार्कोनिकॉफ करेंगे, कब एंटी मार्कोनिकॉफ, या आप अपनी PDF पे, अपनी कॉपी पे ये वाला PDF का जो सेक्शन है ये बना लेंगे और मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ का ध्यान रखेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू सम इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये जो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिया है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दें, यानी उसके अंदर से वाटर निकाल दें, तो जो बन जाएगा दैट प्रोडक्ट विल बी RCH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा, अगर आपने एल्कोहलिक KOH ले लिया तो यहाँ से HX माइनस हो जाएगा एंड दिस इज़ कॉल्ड डीहाइड्रो। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन चला गया। और दूसरा है हेलोजिनेशन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे तो आपका RCH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ये दो प्रोडक्ट हो गए। दूसरा, अगर विसिनल डाईहैलाइड ले रखा है, विसिनल का मतलब होता है पड़ोस पड़ोस में, अगर दो कार्बन हैं और दो कार्बन या तीन कार्बन ले लेते हैं, अगर एक ही कार्बन पर दो क्लोरीन लगा है तो इसको बोलते हैं बच्चों जेम, और अगर पड़ोस पड़ोस में लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं विसिनल। तो विसिनल को जिंक से रिएक्ट कराते हैं तो भी हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, एल्कीन प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट इज़ अगर हमने हाइड्रोजन और PDBSO4 ले रखा है, लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलते हैं, तो अगर ये ले रखा है तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एल्काइन को इसके साथ रिएक्ट कराया, देन वी आर गोइंग टू गेट एल्कीन अगेन। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस आपको याद हो कि एल्केन बनाने का मेथड था, लेकिन ज़रा इसको ध्यान से देखें, ये जो लिखा हुआ है इसमें जब हम कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो R ऐसे ही रहेगा, CH बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर भी CH रहेगा और ये R, लेकिन जो यहाँ CO2 था ये CO2 चला जाएगा, ये CO2 भी चला जाएगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल्स बन जाएंगी। अब ये जो दो फ्री रेडिकल हैं ये आपस में बॉन्ड बना लेंगी बच्चों। अगर ये आपस में बॉन्ड बना लेंगी तो जो प्रोडक्ट इससे बनेगा वो बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर R, ये एल्कीन बन जाएगा। क्योंकि देखो एक बॉन्ड तो पहले से ही था, फ्री रेडिकल बने और उन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, तो दिस विल बिकम अनदर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट जो मेथड्स लिखे हैं, पायरोलिसिस, ये हम लोग जब पढ़ रहे होंगे, क्या इसको हम लोग जब एमीन पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे फिर से पढ़ेंगे। अभी आपको हल्का फुल्का याद रखना है कि पायरोलिसिस जब होती है क्वार्टरनरी अमोनियम आयन की, तो जो बनता है वो बनता है हमारे सामने एल्कीन। तो अभी इन मेथड्स को आप ड्रॉप कर दें, इन मेथड्स पे अभी ज़्यादा फोकस ना करें। जस्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ विच मेथड्स, ये जो ऊपर मेथड्स लिखे हैं उनका याद रखें। एक तो डिहाइड्रेशन, दूसरा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, और तीसरा जिंक डस्ट का मेथड, और चौथा है H2PD+PSO4 एल्काइन से। कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी हैं बच्चों। इथीन इज़ यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग। इथीन को फल पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। आप देखें जो फल होते हैं उसको पकाने में इसको यूज़ करते हैं। दूसरा, वाटर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव इथीन ऑन एनोड, अभी मैंने आपको दिखाया था।
दूसरा है इथीन रिएक्ट विथ सल्फर मोनोक्लोराइड टू फॉर्म पॉइजनस मस्टर्ड गैस, एनसीईआरटी ने इसको बनाया है बच्चों, तो मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये देखिए मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला और चित्र दोनों है आपके सामने, तो ये आपको याद रखना है। सम अदर रिएक्शंस ऑफ इथीन दिए हैं, तो सम अदर रिएक्शन में एक टिल्डन रिएजेंट NOCl को जोड़ने का है, NOCl में NO पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया गया है, एक तरफ Cl और एक तरफ NO ऐड कर दिया गया है। ये जो रिएक्शंस हैं इनको हम अभी बाद में पढ़ेंगे, तो यू डोंट नीड टू गो फॉर द डिटेल। जैसे ये एल्काइलेशन एसाइलेशन का रिएक्शन होता है, तो ये सब हमारे सामने आगे आएंगे, तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने आपको एडवांस में इसका PDF इसलिए दे दिया है कि आपके नज़र के सामने रहे। अभी दो चीज़ें आप ध्यान से अच्छे से तैयार कर लें, एक है इसके बेसिक रिएक्शंस, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है, और सिर्फ रूल जानने से काम नहीं चलेगा, ये जितने रिएक्शंस दिए हैं कब मार्कोनिकॉफ लगेगा कब एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। और बच्चों एक और बात आपको इसके साथ करनी है कि सिर्फ अगर आपने इसी को पढ़ा तो भी आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप एक बात फिक्स जान लें कि जब भी आपको लैंग्वेज मिलेगी तो वो लैंग्वेज आपको हमेशा मिलेगी NCERT की। तो NCERT बुक में जो हाइड्रोकार्बन वाला सेक्शन है उस सेक्शन में आप जाकर, और जो एल्कीन है उसमें देखें इसी तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा जिस सिक्वेंस में हम लोगों ने इसको पढ़ा है। तो एल्कीन को एक बार आप रीड करेंगे फ्रॉम NCERT, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीज़न क्या है, क्योंकि आपको लैंग्वेज वहाँ पर वही मिलेगी जो एग्ज़ाम में आने वाली है। तो NCERT में जो यहाँ से एल्कीन शुरू हो रहा है 13.3 से, दिस यू हैव टू रीड बिफोर डूइंग द क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस करें आप इसको ज़रूर एक बार देख लेंगे कि NCERT ने किस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ किया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों देखें NCERT में एल्कीन को पढ़ाया गया है, उसके रिएक्शंस पढ़ाए गए हैं, तो ये आपको जो NCERT वाला सेक्शन है इसको भी अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। आप देखें प्रिपरेशन में एल्काइंस से प्रिपरेशन पढ़ाई गई है, और जो हम लोग पढ़ रहे थे कि पैलेडियम और चारकोल पार्शियली डीएक्टिवेटेड लिंडलार कैटलिस्ट का नाम मैंने आपको बताया था, बट डिफरेंस इतना है कि वहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो एक टेबल के फॉर्मेट में था, याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, एक जगह पे हो जाता है, यहाँ पे इसी को वर्ड्स के फॉर्मेट में लिखा गया है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखें आप डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, अभी हम रिएक्शन पढ़ के आए हैं, बीटा एलिमिनेशन, इस रिएक्शन में यहाँ देखें एच और एक्स को निकाल लिया जाता है और इससे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, और विसिनल डाई हैलाइड। तो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों तो क्वेश्चंस में आप ये जान लें कि ये NCERT के क्वेश्चंस भी रहेंगे, और हम लोग पार्ट वाइज लेके चल रहे हैं कि एल्केन और फिर एल्कीन फिर एल्काइन, पूरा हाइड्रोकार्बन एक साथ नहीं ले रहे हैं। इट मीन्स यू हैव डेफिनेटली इतना टाइम तो है कि आप आधे घंटे इसको पढ़ सकते हैं। तो इसकी लैंग्वेज और इसके पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखेंगे जो कि NCERT में लिखे हैं। बाकी जो हमने आपको टेबल बताई है उस टेबल को, इस PDF को आप तैयार कर लें, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा, तो उसको आप प्रिपेयर कर लें, और फिर हम मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ इन द लाइव सेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़, थैंक यू वेरी मच।